यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिलेंगे एक से एक गर्म कपड़े और साथ ही स्वादिष्ट गर्म गर्म भोजन, खाना और नाश्ता। आप देख सकते हो एकदम गर्म गर्म पकौड़े जैसे कुछ, आप यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे हिमाचल का ट्रेडिंग ड्रेस, यहाँ पे आके हम लोग ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस देख लो, यहाँ पे लोग पहन के फोटोग्राफी कर रहे हैं। कल मैं भी गया था मनाली में, बहुत अच्छा लगता है काला कपड़े पहनने के बाद। अगले दो दिन का जाने में दो दिन आना, 95 रुपए की रूट है, पहले जाना भी है राजा का महल, ये राजा हुआ करते का महल की बात। आपने 3 फिल्म देखा होगा, इसी महल को दिखाते हैं, रणछोड़ दास घर दिखाएगा, चांचड़ हाउस दिखाते हैं, रणछोड़ दास श्यामल दास घर। अच्छा 3 मूवी यहीं शूट हुई थी, लद्दाख और शिमला में। चाइना बॉर्डर दिखाना आपको 300। ये है एप्पल के गार्डन, बहुत ही खूबसूरत सेब। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ सेब की खेती कैसी होती है यहाँ पे, आप कह सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मेरा पहला ये एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का और एप्पल की खेती को देखने का, तो बहुत ही बेहतरीन अनुभव देख सकते हैं। इधर भी है तो देख रहे हो, ये यहाँ पे एंट्री फीस मिली है 100 रुपीज, वो भी बार्गेनिंग करने के बाद। तो ये हो गया एप्पल गार्डन, लगे हुए एप्पल की खेती आप देख सकते हो, बढ़िया रेट वाले एप्पल लगे हुए। ये बहुत ही टेस्टी है एप्पल है, और इसमें बहुत ही प्यारा मतलब टेस्ट यहाँ पे डाला गया मसाला है ना, चाट मसाला, चाट मसाला बहुत ही प्यारा टेस्ट आ रहा है इसको खाने के बाद, ब्यूटीफुल फ्लेवर। तो ये जो सेब देख रहे हो आप, इतना प्यारा टेस्ट है, और ये नीचे जो दिख रहे हो ना सेब के गार्डन, वहीं से टूटा हुआ एकदम फ्रेश और ताज़ा सेब है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको खाने के बाद, बहुत बढ़िया टेस्ट। इसमें जो मसाला चाट मसाला का फ्लेवर है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे तो विलेज लेवल के जो एक गांव का क्या कल्चर है, कैसा होता है, उनकी खेती कैसी होती है, यहाँ के घर कैसे होते हैं। तो मैं तो वहीं पे अभी मैं जाने वाला हूँ, पास से आपको जाके दिखाता हूँ। मतलब सबसे तो ये जीप लाइन है, यहाँ से देख रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज, एकदम पहाड़ों के ऊपर, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं वहाँ पे अभी जाऊँगा, यहाँ पे लगता है होम स्टे भी है, यहाँ पे आप आके यहाँ पे होम स्टे भी कर सकते हो, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे रहने का मज़ा ही कुछ अलग है यार, यहाँ पे स्टे करने के बाद में। Catch a glimpse of me. Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you tried to hide it, and you've gotten curious. So let your feet. तो एक तरफ से अगर देखा जाए ना, तो कुफरी टोटल और यहाँ पे सब सारा साइट सीन और बहुत ही मतलब एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, और खाने पीने की बहुत सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पे, जैसे कि ये देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ पे सब कुछ खाने का अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाता है। और अब इधर में मैं देखा था अभी विलेज, तो वहाँ पे स्टे के लिए भी है, और बहुत बढ़िया वहाँ पे व्यवस्था वहाँ पे है रुकने के लिए। एकदम नेचुरल पानी है ना, ये कहाँ से आता है? ये नीचे से आता है, नीचे से आता है, झरने का पानी है ना, बहुत ठंडा। हाँ हाँ पानी है ना, बिस्लरी फेल है पूरा, एकदम ठंडा झरने का पानी है, ज़मीन से निकल के आ रहा है, तो कोई मिलावट नहीं भाई, सच में बिस्लरी और अमृत है, पीने के बाद बहुत मज़ा आएगा। एकदम चिल्ड। फिलहाल अभी तो मेरे साथ लीजिए बहुत एक से एक खूबसूरत साइट सीन्स का मज़ा, और एक से एक साइट सीन आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ पे कौन सी मूवी शूट हुई है। कुफरी में अगर आप आ रहे हो जनवरी के, जनवरी से फरवरी मार्च के बीच में,
तो सोच लो आप पूरा बर्फ, आपको यहाँ पे बर्फ देखने मिलेगा। और यहाँ पे बताया जीप लाइन का 400 रुपीज चार्ज, ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो अब आ गया यहाँ पे फ्री फन वर्ल्ड, यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या, बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे, खूब सारी यहाँ पे एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप देख सकते हो इतना। तो इसका चार्ज क्या नहीं पता। तो यहीं पे ही एक लांग टेम्पल है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे मंदिर में जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं जा पा रहे हैं। और अभी विजय ने यहाँ पे बताया लोकल यहाँ पे लांग टेम्पल है और काफ़ी फेमस है। तो हिल स्टेशन पे आप पीछे देख सकते हैं आपको पूरा क्राउड। मंदिर लग रहा है, पूरा लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है, करीब हजारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे किसी का जाना आ रहा है।